हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल रेसिपी जो बनाने में बहुत इजी है और स्वादिष्ट है, और ना ही कुछ इसमें मसाले हमने यूज़ किए हैं। तो आज हम बनाएंगे तुअर की दाल, और इसे हम चावल के साथ या चपाती के साथ भी खा सकते हैं। और उसमें हम घी का इस्तेमाल करें तो खाने में तो उसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आएगा। और यही दाल को मसालेदार कैसे बनाना है वो भी वीडियो में आगे बताया है, तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखते रहिए। न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए स्वाद के साथ यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आज के रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है तुअर की दाल, या इसे अरहर की दाल भी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप तुअर की दाल ली है। सबसे पहले हमें इस दाल को 3 से 4 पानी से अच्छे से धो के लेना है। दाल धो के हो चुकी है तो अभी हमें इसे प्रेशर कुकर में पकाना है, तो मैं इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ट्रांसफ़र करने के बाद जितना दाल हमने लिया था उससे डबल पानी हम इसमें डाल देंगे, और उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से दाल का कलर जो आता है वो बहुत ही अच्छा आता है, तो मैं इसी स्टेज में यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो अभी इसे प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी आने तक उबाल लेंगे। हल्दी के साथ नमक भी ऐड कर सकते हैं, या तो फिर बाद में भी डाल सकते हैं। दाल पकाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर का बर्तन ही यूज़ किया है, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, लूज़ में दाल पकाते हैं प्रेशर कुकर में, तो जब सीटी होती है तब दाल का सब पानी बाहर आ जाता है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए इसी दाल में आप थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच तेल का यूज़ कर सकते हैं। 4 सीटी होने के बाद प्रेशर कुकर कंप्लीट ठंडा हो गया। उसके बाद हम चेक करते हैं, दाल अच्छे से पक चुकी है, और यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं, और अच्छे से ये पक भी गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी जाएंगे नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। मैंने यहाँ पे पैन गरम कर लिया है, उसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी 2 चम्मच देसी घी। देसी घी से दाल जो है बहुत टेस्टी बनती है, और ये घी जल ना जाए इसलिए मैंने पहले 1 चम्मच ऑयल यूज़ किया। घी अच्छे से गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पर डालूँगी 1/4 टीस्पून जीरा। उसके बाद डालूँगी 1/4 टीस्पून राई। जीरा और राई अच्छे से फूल गए तो उसके बाद डालूँगी मैं 7 से 8 फ्रेश करी लीव्स। 1 चम्मच लहसुन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। लहसुन को आप कट कर सकते हैं या तो फिर ज़्यादा सा कूट के डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्च का मैंने यूज़ किया है, और उसे लंबे लंबे पीसेस में मैंने कट कर लिया है, उसे भी ऐड कर देते हैं। और इसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हींग। देसी घी की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो अभी हम सभी इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेते हैं। देसी घी के साथ साथ जो मेन टेस्ट लाता है वो है लहसुन। लहसुन हमें अच्छे से देसी घी में अच्छे से भूनना है, तो टेस्ट जो है उसका बहुत अच्छे से दाल में आ जाता है। तो धीरे धीरे लहसुन का कलर जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हल्का सा गोल्डन कलर यहाँ पे आने लगा है। तो और इसी स्टेज में यूज़ करेंगे हम टमाटर। टमाटर मैंने कट करके नियर अबाउट 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे टमाटर यूज़ किया है। इसी में थोड़ा सा धनिया भी ऐड करेंगे, धनिया से टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी अच्छा आता है। तो सभी इन्ग्रीडियंट को मिक्स कर देते हैं। टमाटर जो है अच्छे से घी में पक जाते हैं, तो टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। इसके बाद पैन को हम कवर कर लेंगे और 2 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे ताकि टमाटर जो है अच्छे से पक जाए। 2 मिनट हो चुके हैं तो अभी हम चेक करते हैं। वाह, टमाटर तो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी इसे हम मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद हमने जो दाल बना के रखी थी उसे ऐड करेंगे। दाल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। वाह, यहाँ पर कलर जो है बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बाकी खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। तो दाल अभी सभी मिक्स हो चुकी है, तो अभी हम पानी ऐड करेंगे। दाल का थिकनेस देख के हमें पानी का क्वांटिटी डिसाइड करना है। प्रेशर कुकर में दाल बॉईल करने के लिए जितना पानी का यूज़ किया था उतना ही पानी का मैं यूज़ करूँगी। दाल चावल अगर आप बना रहे हो तो दाल का थिकनेस जो है मीडियम थिकनेस, और ज़्यादा थिकनेस आप रख सकते हैं। अगर रोटी के साथ दाल खाना है तो थोड़ा सा पतला वाला दाल जो है वो खाने में अच्छा लगता है। दाल का थिकनेस जो है टोटली आपके पसंद के ऊपर आपको रखना है। आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो पानी का कम यूज़ करें। अभी डालेंगे सबसे लास्ट में नमक टेस्ट के अनुसार। अभी इसे हम मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद गैस मैंने यहाँ पे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा है। इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छे से उबाल लेंगे, और ये दाल खाने के लिए तैयार। कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। दाल की ये रेसिपी बनाने में बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी भी बनती है। अगर आपको नारियल पसंद है आप थोड़ा सा यहाँ पर नारियल का भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। ये जो दाल है हर महाराष्ट्रीयन घर में बनाई जाती है, और इसे फोड़नी का वरम भी कहते हैं। दाल में अच्छे से उबाल आ चुका है, तो 3 से 4 मिनट तक हम ऐसे लो फ्लेम पर इसे पकाएंगे,
और हमारी दाल जो है गरम गरम दाल चावल या रोटी के साथ खाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ लहसुन की चटनी हो तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। चटनी रेसिपी देखने के लिए ऊपर वाला आई बटन प्रेस कीजिए, वहाँ पे आपको चटनी की रेसिपी ज़रूर देखने मिलेगी। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है, आप दाल का थिकनेस देख सकते हैं और देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। ऊपर टमाटर, हरी मिर्च और धनिया के पत्ते जो है उनका कलर कॉम्बिनेशन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इस सिंपल सी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर घर पर ट्राई कीजिए। अगर आपको इसमें ही ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप अलग से तड़का दे सकते हैं। दाल चावल के साथ खाने के लिए इतना थिकनेस दाल का जो है परफेक्ट है। ये दाल खाते समय घी तो होना ही चाहिए, तो परोसते समय हम फिर से यहाँ पे ऊपर से घी डालेंगे तो खाने में दाल और चावल बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई तो रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे न्यू रेसिपीज़ देखने के लिए स्वाद के साथ यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली सभी न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, टेक केयर, बाय बाय।